అందరి వాట్లక్చుకి. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एफ टी एंड एफ पे, और मैं हूं आपका दोस्त गौरव. सो आज आ गया हूं मैं आपके लिए एक तीखा और मसालेदार एपिसोड लेके. हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि तीखा तीखा इसलिए क्योंकि अंदर तो भाई साहब ज्वालामुखी फट रही है. अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं मलाड के ब्रिक एंड सैंड पे, जो कि एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है. फेमस कहूँ चाहे ना कहूँ, बट इनके पास ऐसे ऐसे फूड के चैलेंजेस होते हैं जिसको देख के आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएगी. और उन्हीं में से एक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्पाइसेस सेकंड नंबर पे रहने वाली चिली से बनी हुई चीज़ मैं आज ट्राई करने जा रहा हूँ. क्या है मैं ऐसे नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ज्वालामुखी टाइप का खाने जा रहा हूँ. तो आपका तो इतना फ़र्ज बनता ही है कि आप मेरे लिए इस वीडियो को पूरा देखें. तो बिना बकवास करें तो आइए चलते हैं, और मैं खाता हूँ इसे और आपको दिखाता हूँ कि मुझ में कितना है दम. तो आइए चलते हैं. रेस्टोरेंट तो आपने देख ही लिया है जैसे कि हमने आपको दिखा दिया, पर मैं आपको बता दूं यहाँ का इंटीरियर और मेकओवर बहुत ज़्यादा अच्छा है. और साथ में हम यहाँ पे क्यों आए, तो हम फूड के लिए आए, तो फूड के बारे में हमें जानने के लिए चलना होगा तन्वी जी के पास, जिनसे हम थोड़ा सा फूड के बारे में पता चलेगा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग हम उनसे जानेंगे. तो आइए बिना रुके चलते और देखते. ओके दोस्तों, तो अब हमारे साथ है तन्वी जी, जो कि हमें कुछ फूड के बारे में और इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि फूड के बारे में तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, पर आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें से एक चीज़ आज मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ. तो आइए कुछ इनके बारे में इससे जानते हैं इसके बारे में. तो मैम, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि रेस्टोरेंट कब से है और यहाँ पे किस किस वैराइटीज़ के हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं. आपको हर एक के लिए हर एक टाइप का फूड है. आपको इटालियन है, मैक्सिकन है, इंडियन फूड करीज है, आपको फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच से लेके प्रॉपर राइस लच्छा पराठा करी पनीर मसाला सब कुछ है. सो हर एक के लिए आपकी अपनी चॉइस के साथ सब कुछ मिल जाएगा. सो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये तो हो गई नॉर्मल बात, बट मैं आपको एक चीज़ खास बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद आप फूड चैलेंज भी ले सकते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे खास करके आया हूँ. और आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए और आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे आने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो आइए इसके बारे में जानते हैं. तो मैम, वो फूड का क्या है एक्चुअली, वो जो आपने चैलेंजेस रखे हो किस तरह के चैलेंजेस है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. हमने अभी तीन चैलेंजेस आउट किए हैं. सबसे पहला है मेगा बर्गर मॉन्स्टर चैलेंज. मॉन्स्टर बर्गर 2 किलो का एक चिकन बर्गर है, वो आपको 15 मिनट में फिनिश करेंगे. तो हमारे तरफ से आपको कैश प्राइस मिलता है दैट इज 10,000 रुपये. फिर दूसरा चैलेंज आता है स्पाइसी, दैट इज डेली चिकन चैलेंज, जो है एक स्पाइसी चिकन होता है जिसको बेक किया जाता है ओवरनाइट मैरिनेशन के साथ. एंड उसमें जो चिली यूज होती है वो है छलोकिया पेपर, सो दैट इज स्पाइसेस चिली. इसका अगर आप यूनिट्स में देखेंगे तो उसका हीट है 1 मिलियन स्कोविल यूनिट्स, वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है. तो आपने सुना ये चीज़ और आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दूँ ये सुनने के बाद मैं काफ़ी घबरा रहा हूँ, क्योंकि मैं यही चैलेंज करने वाला हूँ. तो अभी आपको पता ही चल गया कि यहाँ पे चैलेंजेस में क्या क्या है और आप आके यहाँ पे क्या क्या ट्राई कर सकते हो. यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है. साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि आप अपने फैमिली के साथ भी यहाँ पे आके आप अच्छा टाइम बिता सकते. मैं अभी फ़िलहाल अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके सारे दोस्त ग्रुप आ रहे हैं. खैर कोई नहीं, मैं दोबारा जब भी आऊँगा तो उनके साथ डेफिनेटली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बैठ कर थोड़ा टाइम बिताऊँगा. यहाँ पे कुछ रूल्स नहीं कि आप 5 मिनट 10 मिनट में फूड खत्म कीजिए और जाइए. आप अच्छा खासा टाइम फैमिली के साथ बैठ के बिता सकते हैं. और एक चीज़, जब आप कहीं पर फूड ऑर्डर कर देते तो उस वक्त क्या होता है कि आपको सिर्फ मोबाइल में फिंगर का यूज़ करना होता है, स्क्रॉल करते जाइए करते नहीं. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेम है आपके लिए खेलने के लिए. तो आइए कुछ बोर्ड गेम है मैं आपको दिखा देता हूँ. चलिए
हम लोग चैलेंज की ओर बढ़ चुके हैं, पर बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। तो मेरे हाथ में कुछ फॉर्म है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जिसमें से आप कोई भी चैलेंज के तौर पे ले सकते हो। मैंने डेडली चिकन लिया है, सो आप इसमें से कोई भी चैलेंज ले सकते हो, पर लेने से पहले आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशन जान लेने हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है खाते वक्त और क्या नहीं करना है। इसके अलावा ये एक वेवर फॉर्म है जो कि आपको बना हो, जहाँ पे आपका नाम, एड्रेस और आपका साइन लगेगा। जब ये तीनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो ही आप इस चैनल चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो देखते हैं, हमारा ऑर्डर बनके तैयार है, तो आइए देखते हैं कि कैसा दिख रहा है और कितना भयानक है, मैं कह सकता हूँ। तो आइए देखते हैं। ओके दोस्तों, तो चिकन हमारे सामने आ चुका है और दिखने में बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार लग रहा है। अब मैं सिंघम बनने के लिए तैयार तो हो चुका हूँ, पर अंदर से थोड़ा सा पहली बार किसी फूड को देख के डर भी रहा हूँ कि इसे खाना है या नहीं खाना है। बट यस, चैलेंज लेने के लिए आया था तो डेफिनेटली लूँगा। उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, सो अब मैं शहीदी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और ये मुझे दिया गया है ग्लव्स जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ खाते वक्त, ताकि मेरे हाथों में मसाले की वजह से कहीं पे भी कुछ ना हो। और मैंने कुछ टिश्यू पेपर रख लिए, पानी है बट मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि 7 मिनट में मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। इसके अलावा ये है टाइमर जो कि अभी शुरू हो जाएगा जैसे मैं शुरू करूँगा। तो लेट्स सी कि हम खा पाते हैं इसे या नहीं खा पाते। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट आधा ख़त्म कर लूँ, और उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं पूरा ख़त्म कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना खा पाते हैं। ओके गाइस, तो मैं रेडी हूँ, सो चलिए शुरू करते हैं ये टाइमर। सो टाइमर शुरू करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। सो आँख से पानी आना शुरू हो गया है। आँखों में से पानी आ रहा है, देख सकते हो। अभी तक सिर्फ 2 पीस हुआ है और मेरी वाट लग चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि बस पैकअप हो गया है और इससे ज़्यादा खाऊंगा तो बैंड बज जाएगी। कोशिश करता हूँ, टाइमर शुरू है। नहीं कर पाऊंगा। जब आप फर्स्ट बाइट लेते हो तो ये बहुत इजी लगता है, इतना तीखा पता नहीं चलता, बट जब आप और जब खास करके आप रुक जाते हो
पैकअप हो जाता है, तो नाक से आँख से और कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है बता नहीं सकता हूँ। आई थिंक सो डन। सॉरी गाइस, मैं पूरा तो नहीं कर पाया, बट यस, अगर आपको सिंगम बनने का शौक है तो आप डेफिनेटली आगे चैलेंज ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हालत पूरी ख़राब हो चुकी है और मैं पानी पे सिर्फ पानी पिए जा रहा हूँ। और एक चीज़ कि आपको ये मिल्क मिलेगा, जैसे कि जिसकी बैंड बच जाती है ना, जैसे कि मेरी बच गई है, उसके बाद मुझे पी लेना चाहिए, इससे थोड़ा तीखा कम होता है। नॉर्मली घर पे मुझे तीखा पसंद नहीं, मिल्क पसंद नहीं है, बट यहाँ पे मैं पी रहा हूँ क्योंकि तीखा बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो ओवरऑल इतना ख़त्म हुआ है। अगर आप में दम है और आप ये चैलेंज ले सकते हो तो डेफिनेटली आइए अपने दोस्तों के साथ और लीजिए चैलेंज, तभी आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा आता है फूड चैलेंज लेने में। और मैं कोशिश करूँगा इसको पूरा ख़त्म करने के लिए, दूध पहले पूरा ख़त्म कर लेता हूँ मैं। ओके सो दोस्तों, बस इतना ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सिर्फ चिकन ही नहीं ख़त्म करना है, साथ में ये जो मसाला, ये जो सारा मसाला है, ये सब का सब आपको ख़त्म करना है। इसका प्राइस है 850 रुपीज़। आपको सारा ख़त्म कर लेते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तो आपको इसका पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ये टिश्यू पेपर देख सकते हैं कितना मैंने जमा किया है और मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं। साथ में आपको बता दूँ कि दूसरा जो वीडियो है वो भी सेम मलाड का होगा, बट यहाँ का नहीं, हम कुछ और ट्राई करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, स्ट्रीट फूड कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। और मेरे को लगता है मेरे हाथ में मसाला उड़ के चले गया, कोई बात नहीं, देख सकते हैं आप में पानी आ रहा है मेरे। ओके सो मैं आपको बता दूँ कि इस बात का ध्यान रखें, ऐसे हाथ भी हिला के बातें ना करें तो मेरी तरह भी हो सकता है। और इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, मैंने चैलेंज ट्राई किया बट मैं नहीं ख़त्म कर पाया, बट कोई नहीं, होता है ऐसा, क्योंकि चैलेंज इसी को कहते हैं। अगर आप कर सकते हो आप आने के बाद तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो भी आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ पे विजिट किया था और आपने क्या ट्राई किया। सिर्फ चैलेंज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आके आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, खा सकते हो। सो इसी के साथ, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए और आप हमारे पुराने वीडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ उस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बट उसके पहले मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जहाँ पे जाके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यार भाई, ये ना मेरा फैमिली चैनल है, तो बहनों को, भाइयों को, माँ को, पापा को, सबको सब्सक्राइब करवाइए और दिखाइए कि कहाँ पे कौन सा फूड अवेलेबल है जो आप जाके खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ख़ास करके अपने दोस्तों के साथ। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। ये सिर्फ तीखे का असर है, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ तीखे का असर है। बाय बाय, खाता हूँ।